नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर। और यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपको एग्जाम्पल पूछा जाता है कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कोई भी एग्जाम्पल देकर समझाना है तो उसके लिए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूज़ आपको बताने हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के तो भी आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक इंट्रोडक्शन देना है, इट मीन्स डिस्कस करना है, डिस्कस हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो भी अगर आपको आ जाए डिस्कस हाउ टू मेक, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो भी आप इस क्वेश्चन का को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब करना कैसे है। सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन डालना है। सबसे पहले हेडिंग आएगी आपकी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग आप ज़रूर सही लिखिएगा क्योंकि बहुत बच्चे गलत लिखते हैं। इंट्रोडक्शन आएगा सबसे पहले, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिखना है, यहाँ से यहाँ तक कम से कम आप ज़रूर याद कीजिएगा। फिर आपको कैसे करना है, यहाँ पर देखिए ये आप फर्स्ट थ्री लाइन जो है ये इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ये जो चीज़ है यहाँ पर आप यूज़ लिख सकते हैं। इट मीन्स अकॉर्डिंगली एक हेडिंग बना सकते हैं, व्हाट आर द यूज़ ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिखना है व्हाट आर द यूज़ ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसमें से ये नहीं है कि आपको ये सारा ही लिखना है, इसमें से आपको जस्ट जो ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ से आपको जितना याद हो जाए, हार्डली आप 5 से 6 लाइंस अगर आपको याद हो जाती हैं दैट इज़ मोर देन इनफ, वो आप लिख सकते हैं कि किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से ये ना एकेडमिक वर्ड में यूज़ कर सकते हैं, हम पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। गिव्स यू द स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या यूज़ हैं, चार्ट के तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ग्राफ बनाकर बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ में इसको एक हेडिंग देकर व्हाट आर द यूज़ ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस पैराग्राफ में से आंसर दे सकते हैं। आप पढ़िए इसको ठीक से। ठीक है, देन यहाँ पर इसके फीचर्स के बारे में आप बताएंगे, फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये आप लिख सकते हैं। फीचर्स अगर आपसे पूछे जाएं तो आप इस बॉक्स में से यहाँ से, ठीक है, इस बॉक्स में से आप 5 से 6 लाइंस को आपको लिखना है। ठीक है, 5 से 6 लाइंस को आपको लिखना है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लिखने कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप लिख रहे हो और बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट ट्राई टू लर्न स्मॉल इन स्मॉल क्वांटिटी और आपको क्या होगा कि उस चीज़ को आप बहुत बेहतर से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो फीचर्स में आपको यहाँ से डालना है। ठीक है, देन यहाँ पर आपको यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपको डालना है हाउ टू मेक स्लाइड्स, ये आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, यहाँ पर स्लाइड्स बोला जाता है। ठीक है, जिसने पावर पॉइंट को नहीं चलाया है अब तक, तो हाउ टू मेक स्लाइड्स, यहाँ से आपको 2-3 लाइन्स उठानी है या 3 से 4 लाइन्स उठानी है, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल के तौर पर स्लाइड्स को लेना है। स्लाइड का टॉपिक आप सेम रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेम रख सकते हैं स्लाइड का, आप कितनी स्लाइड बना रहे हैं ये भी, आप स्लाइड को 1-2 कम भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 है, नंबर 8 है, ठीक है, तो आप इनको 7 भी कर सकते हैं, 1-2 कम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इस पर कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर टाइटल लिखा है, आपका टाइटल प्रेजेंटर कुछ भी हो सकता है, इंट्रोडक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अलावा आप कुछ और लिख सकते हो, डिलीवरी आप हेडिंग कुछ और बना सकते हो। इट मीन्स ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इसमें से ये चीज़ें कम कर सकते हो आप, इसमें से ये हेडिंग्स कम कर सकते हो या फिर स्लाइड को हटा सकते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको डिक्टो 8 या 7 लेनी है, यहाँ पर आपको जो स्लाइड्स लेनी है आप 7 भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से एक का ही एग्जाम्पल लेना, ऐसा नहीं कि आप सारे लिखे जा रहे हो, इसको भी लिख रहे हो ऊपर वाले को भी, इसमें से या फिर इसमें से कोई एक स्लाइड को आपको चूज़ कर लेना है कि ये सिंपल लग रही है, याद कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती हूँ, यहाँ पर इसका टॉपिक ये है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ये इंट्रोडक्शन। ठीक है,
इसी तरह आपकी स्लाइड्स बनती हैं कंप्यूटर पे, अगर आप देखेंगे तो इसी तरह बनती हैं आपकी स्लाइड्स, कुछ इस तरह आपको देना है। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। यदि आपसे आ जाए डिस्कस हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो आपको सिर्फ इसको दिखाना है कि हम इस तरह से बना सकते हैं। ये साथ हैं, आप 6 भी ले सकते हो। ठीक है, ये तीसरा आ गया है कि अगर आपको वो दोनों हार्ड लग रही हैं या फिर आपका क्वेश्चन की लेंथ छोटी जा रही है, तो आप कोई दो भी तैयार कर सकते हो, कोई एक भी तैयार करोगे चलेगा। ठीक है, सिर्फ आप एग्जांपल दे रहे हो, इन तीनों में से कोई भी एक आपको तैयार करनी है। जैसे ये स्लाइड्स बनाकर दिखाया जा रहा है ना, इन तीनों में से कोई एक आप तैयार कर लो। जैसे मैंने तीन टॉपिक्स पर स्लाइड बनी हुई आपको दिखाई है, इसमें 7 हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बच्चे हो, ये सबसे पहला है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देना चाहते हो तो यहाँ से लेके स्लाइड नंबर 8 तक इनकी संख्या आप 7 भी रख सकते हो, या फिर तो ये बना लो, या फिर यहाँ से विमेन लिटरेसी पे आप टॉपिक ले लो, यहाँ से लेके एग्जांपल के तौर पर आप इसको यहाँ स्लाइड 7 तक आप 6 स्लाइड भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर तंबाकू के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, ये वाली स्लाइड को देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्लाइड 7 तक, और इसको आप स्लाइड 6 में भी कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो लास्ट है ये आपका कंक्लूजन में जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इसको पूरा ही रट्टा मारें, इसको कम भी कर देंगे तो चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा कम भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी लाइंस कितनी आपको याद होती हैं, बहुत ज़्यादा रट्टाफिकेशन भी नहीं, थोड़ा समझ के करना। ठीक है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपको देखने हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बताइए कि अगर आप इनमें से स्लाइड बनाएंगे तो किस तरीके की आप हेडिंग्स डालेंगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही में आपको अपनी अटेंडेंस भी यहीं पर देनी है। सो थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो पूरा देखा, और जिस बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।